हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि 2 मिनट के अंदर वन साइड प्रॉब्लम कैसे फिक्स करें। किसी भी कंपनी का ईयरफोन हो, आपको बस यही करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको फ़ोन में लगा देना है। ठीक है, उसके बाद प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे मोड़ना है। ठीक है, और गौर करना है कि यहाँ पे मोड़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि जो साइड नहीं बज रहा है उसमें भी हल्का फुल्का आवाज़ आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाए आवाज़ तो समझिए यहीं से लूज है। इसको काट के फिर से यहाँ जोड़ना होगा। ठीक है, पिन के पास कनेक्शन कैसे करें इसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, अगर फिर चाहिए और छोटा में तो मैं आप बताइए मुझे, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोड़ना है, हर मोड़ पे। ठीक है, यहाँ पे मोड़ना है। यहाँ मोड़ने से अगर बजने लगता है तो यहाँ का तार काट के जोड़ देना है। यहाँ पे मोड़ने से बजने लगता है तो यहाँ का जोड़ देना है, और यहाँ के मोड़ने से बजता है तो यहाँ से काट के जोड़ देना है। हर मोड़ पर आपको चेक करना है। ठीक है, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं कहीं से नहीं बजा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे खोलना है और इस मोड़ पर काट कर फिर से तार को जोड़ देना है 90%। ठीक है, मात्र 10% केसेस में यहाँ और पिन के पास से खराब होता है, और नीचे से 90% केसेस में यहीं से प्रॉब्लम होता है, जहाँ से एक तार दो तार में बदलता है, लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग जाता है वहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खोलने के लिए देखिए यहाँ पे घाट बना हुआ है, इसमें किसी भी शार्प चीज़ को ऐसे फंसाना है टूल्स को, और ऊपर से ऐसे प्लायर के हेल्प से, ठीक है, प्लायर के हेल्प से ऐसे चोट उट करना है, नहीं से ये खुल जाएगा। और एक बार में आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करें, वरना क्या होता है बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो सकती है। ठीक है, आसानी से करें, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, उसके बाद आप नाखून की हेल्प से ऐसे इसको खोल लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से काट देना है। यहाँ पे दोनों एक ही में है तो आप क्या करिए, एक साथ भले ही बज रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से काट के ज्वाइन कर देना है। ठीक है, आपके पास मीटर या कंडक्टर जैसे कुछ नहीं है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ से काटिए, एक बज भी रहा है तो भी दोनों को काटिए, फिर दोनों को अलग अलग जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से नहीं काटना है आपको, थोड़ा सा आगे से काटना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दोनों को अलग अलग, ठीक है, इसका जो रबड़ है यहाँ से रिमूव कर लेना है, इसका मतलब उसको छील लेना है। यहाँ भी वही काम करना है। ठीक है, दोनों में जब अच्छे से लग जाए, मतलब रंगा लग जाए, तो आप इसको चेक कर लीजिए एक बार कंटिन्यूटी टेस्टर की हेल्प से। कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं है तो आप चेक मत करिए, ऐसे कनेक्शन कर दीजिए, 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग लगाए, देखिए आराम से कंटिन्यूटी टेस्टर बता रहा है सही है, आप दूसरा चेक कीजिए। इसी में पहले वो तो सही था जो अभी चेक किया गया, प्रॉब्लम इसमें था। ठीक है, देखिए ये भी अब सही हो चुका है, अब आपको बस कनेक्शन कर देना। अब कनेक्शन कैसे करना वो भी आप देख लीजिए, दोनों का जो गोल्डन वाला है, ठीक है, दोनों का जो गोल्डन है वो एक ही में, मतलब दोनों के एक वायर को कॉमन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कनेक्ट करके चेक कर लूँगा फ़ोन से, तो बजेगा ही, लेकिन मैं कंटिन्यूटी टेस्टर से ही आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए, एक पिन को मैंने ग्राउंड पे रख दिया, आपको मैं बता दूँ ये माइक का होता है, ये ग्राउंड होता है, और ये लेफ्ट का और ये राइट का। ठीक है, यहाँ रख दीजिए। ठीक है, लेफ्ट ओके है, बज रहा है, और ये राइट, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सुनाने का। ठीक है, हल्का सा आपको स्पार्किंग टाइप का आवाज़ सुनाई दे सकता है। ठीक है, और ये भी देखिए, ठीक
ठीक है, दोनों सही है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कोई कन्फ्यूजन या सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।